हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसके ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी गाड़ी को कैसे अपडेट करना है, और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं अगर आप अपनी गाड़ी को अपडेट नहीं करते हो तो आपकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। दोस्तों, BS6 जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन गाड़ियों में एक ECU लगा होता है जो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। इस ECU को हमें अपडेट करना होता है जब ये अपडेट मांगता है। अगर आप इसे अपडेट नहीं करते हो तो आपकी गाड़ी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, जैसा कि आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, स्टार्टिंग लेट होगी, माइलेज नहीं देगी, आपका पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी स्टार्ट तो होगी, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर आप गाड़ी को इसी तरीके से चलाते रहोगे तो। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी गाड़ी का ECU पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको अपनी बाइक के ECU कैसे अपडेट करना है। गाइज़, अगर आप इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली एंड तक देखते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको पूरा अपडेटिंग सिस्टम समझा दूंगा, ECU अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो सब कुछ समझा दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही मिलेगी। गाइज, वैसे तो आपको YouTube पर ECU अपडेट करने से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो उन सबसे अलग होने वाला है, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ECU अपडेट करने से रिलेटेड एक एक पॉइंट को कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए ECU को अपडेट करना शुरू कर। तो गाइज, मेरे पास आई हुई है BS6 पल्सर 150 ट्विन डिस्क, मैं इसको अपडेट करके दिखाने वाला हूँ। आप इसको एक बार अपडेट करते हुए देख लो, आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइज, गाड़ी को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर बोस टूल को कनेक्ट कर लेना है। बोस टूल को कनेक्ट कर लेने के बाद आपको इग्निशन स्विच को ऑन कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हो। प्रेस टू एंटर कंटिन्यू, यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको पहले ऑप्शन व्हीकल डायग्नोस्टिक पर एंटर करना है, और यहाँ से आपको अपनी गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर क्या है तो यहाँ पर आपको चेसिस नंबर से पता कर लेना है, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको शुरू से देखना है 10वें नंबर पर क्या वर्ड है। 10वें नंबर पर M है, इसका मतलब गाड़ी की मैन्युफैक्चर ईयर 2021 है। आप चाहो तो गाड़ी की RC में भी चेक कर लेना, वहाँ पर भी ये डिटेल्स मिल जाएगी। तो हमारी गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर है 2021, तो हमें यहाँ से 2021 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, कम्यूटर स्पोर्ट्स। अगर आपकी गाड़ी 150 cc से नीचे है तो आपको कम्यूटर सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर 150 cc से नीचे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी आ जाएंगी, आप देख सकते हो। और अगर आपकी गाड़ी 150 cc या 150 cc से ऊपर है तो आपको स्पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पर आपको ये सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो। तो हमारी गाड़ी है पल्सर 150 ट्विन डिस्क, तो हमें यहाँ से पल्सर 150 TDCAN सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको EPM44BS6 सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ रीड कोड्स पर एंटर करना है, और यहाँ से आपको एरर चेक करना है। गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारी यहाँ शो होंगी, तो आप देख सकते हो गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो कोड्स आ रहा है। आपको ब्रेक आ जाना है, और अगर यहाँ पर कोड्स शो हो रहे हैं तो आपको इरेज कोड्स पर एंटर करना है, और यस के ऑप्शन पर आकर सारे कोड्स इरेज कर देना है। अब आपको रीड मैन्युफैक्चर पर एंटर करना है। फिर आपको विन पर आना है, और यहाँ से आपको अपने ECU का विन नंबर चेक करना है। इस विन नंबर को आपको अपने चेसिस नंबर से मैच करना है। आपको ये देखना है ये इसी गाड़ी का ECU कहीं किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया, तो आप देख सकते हो विन नंबर और चेसिस नंबर सेम है, ये इसी गाड़ी का ही ECU है। फिर आपको हैक्स के ऑप्शन पर आना है, और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की हैक्स फाइल चेक करना है, आपकी गाड़ी में कौन सी फाइल पड़ी हुई है। अब आपको ब्रेक आ जाना है, फिर आपको फ्लैश ECU पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको एक चेसिस नंबर शो होगा, इस चेसिस नंबर को आपको अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर से मैच करना है। तो ये चेसिस नंबर मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों अलग हैं। ये चेसिस नंबर इससे पहले जो मैंने गाड़ी अपडेट की थी उसका है, तो हमें इसे इरेज कर लेना है। अब आपको बोस टूल को गाड़ी से डिसकनेक्ट कर लेना है, और इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। इसे कनेक्ट करने के लिए आपको बोस टूल के साथ एक डाटा केबल मिलेगा, इस डाटा केबल से आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको बोस टूल के एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ सिस्टम सेटअप पर आना है। फिर आपको सिंक फ्लैशिंग फाइल्स पर आना है। उसके बाद आपको यहाँ कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और बोस टूल को इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको सिंक बटन पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में ये फ्लैश हो जाएगा। फिर आपको ओके करना है, और यहां से आपको बोस टूल को डिसकनेक्ट करना है और गाड़ी में कनेक्ट कर लेना है।
फिर आपको फ्लैश ईसीयू पर आना है। अब आपको इस चेसिस नंबर को अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर से मैच करना है, तो आप देख सकते हो ये दोनों सेम है। अब आपको यहाँ से बोस टूल को डिसकनेक्ट करना है और लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है, जैसे पहले किया था। बोस टूल के एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर आपको सिस्टम सेटअप, फिर सिंक फ्लैशिंग फाइल्स, उसके बाद आपको यहाँ कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको दोबारा से यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको चार अंकों का एक ओटीपी डालना होगा। ये ओटीपी उसी फोन नंबर पर आएगा जो फोन नंबर इस बोस टूल से रजिस्टर्ड होगा, तो आपको उसी रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ओटीपी चेक करना है। तो ओटीपी आ चुका है 9969। फिर आपको गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ इसे यस करना है। आपको इन दोनों को यस कर लेना है। अगर ये पहले से ही यस है तो आप ऐसे ही रहने देना। फिर आपको यहाँ सिंक बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फाइल डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पल्सर ट्विन डिस्क की फाइल थोड़ी लंबी होती है, जबकि प्लेटिना और सिटी 100 की फाइल जल्दी पड़ जाती है। बस आपको थोड़ा वेट करना है। तो गाइज आप देख सकते हो हमारी फाइल पड़ चुकी है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है और यहाँ से बोस टूल को डिसकनेक्ट कर लेना है और गाड़ी में कनेक्ट कर लेना है जैसे पहले किया था। यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर व्हीकल डायग्नोस्टिक, मैन्युफैक्चर ईयर 2021, फिर स्पोर्ट्स, फिर पल्सर 150 टीडी गैन, फिर ईपीएम 44BS6, फिर फ्लैश इश्यू। उसके बाद आपको इस चेसिस नंबर को अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर से दोबारा से मैच कर लेना है, कहीं ये गलत तो नहीं है। तो ये दोनों सेम है, फिर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू सेशन पर एंटर करना है, फिर आपको यहाँ यस के ऑप्शन पर एंटर करना है। तो गाइस फाइनली अब हमारी गाड़ी में फाइल पढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। गाइस आपको फाइल डालने से पहले कुछ मेन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी गाड़ी गियर में ना हो इसे आपको न्यूट्रल कर लेना है। इंडिकेटर, हेडलाइट और जो भी कनेक्शन है इन सबको आपको ऑफ कर देना है। सिर्फ आपको इग्निशन स्विच को ऑन रखना है और अगर आपकी गाड़ी में किल स्विच है, ऑन ऑफ का स्विच है, तो इसे आपको ऑन रखना है। और बोस टूल को आपको सेफ जगह रखना है जिससे बोस टूल के डिस्कनेक्ट होने का खतरा ना हो। फाइल अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस आपको थोड़ा वेट करना है। लेकिन गाइस इस बोस टूल से सिर्फ हम बजाज की ही गाड़ियां अपडेट कर सकते हैं, ये बजाज का ही बोस टूल है। अगर आपको हीरो, TVS, होंडा या किसी और कंपनी की गाड़ी को अपडेट करना है तो इसके लिए आपको उसी कंपनी का टूल लेना होगा। हर कंपनी का अलग टूल है और अपडेट करने का सिस्टम भी अलग है। गाइज अगर आपको किसी और गाड़ी के अपडेट के बारे में पूछना है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्लेटिना को अपडेट करना बताऊंगा। तो गाइज फाइनली अब हमारी गाड़ी में फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आपको एंटर करना है। एक बार आपको लास्ट में रीड कोड्स चेक कर लेना है, कोई कोड्स तो नहीं है। अगर कोई कोड्स होता है तो इसे आपको इरेज कोड्स के ऑप्शन पर आकर इरेज कर देना है। गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और गाइज अगर आप चाहते हो ऐसे ही BS6 बाइक से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।